बेटा इस एपिसोड में हम लोग ये देखेंगे, माइक्रो बॉडीज को देखेंगे। जैसे आप अकेले तन्हा जिंदगी जी रहे हैं और गाना रहे हैं तन्हा तन्हा सी ये जिंदगी है, यही गाना गाते हैं ना, तन्हा तन्हा सी ये जिंदगी है। ऐसे सेल में भी कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं जो तन्हा हैं। तन्हा मतलब अकेले पड़े हैं। तो अकेले कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं? उसमें चार सेल ऑर्गेनल्स हैं जो तन्हाई में जीते हैं। तन्हाई में जो जीने वाले सेल ऑर्गेनल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, माइक्रो बॉडीज है। तो अब हम माइक्रो बॉडीज को देखते हैं। ये तन्हा सेल ऑर्गेनल है, इसे हम लोग कह सकते हैं, इसे सिंपल सी बात कह सकते हैं, अगर हम लोग लिखे तो लिखे ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। ये देखिए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। ये पहला कमेंट आपने किया, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। इसका एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी ने किया है, बहुत थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया है, लेकिन आपको डिटेल में सीखना है, क्योंकि आप तो डिटेल में सीखने वाले हैं ही, आप कहाँ पीछे हटने वाले हैं। इन्होंने कहा कि ये स्मॉल साइज वेसिकल्स है, स्मॉल साइज वेसिकल्स है, मतलब स्मॉल साइज वेसिकल्स है, छोटी साइज की है शायद, इसलिए इसको माइक्रो बॉडीज कहते हैं। और एक बात और देखें, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, ये किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन ओनली यूकैरियोटिक सेल, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में ये माइक्रोबॉडीज नहीं पाई जाती हैं, माइक्रोबॉडीज नहीं पाई जाती है, प्रेजेंट इन ओनली यूकैरियोटिक सेल्स, आपने ये बात लिखी। तो अब ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, स्मॉल साइज ऑर्गेनेल से, प्रेजेंट इन ओनली यूकैरियोटिक सेल। एक बात और लिखे, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ये देख बेटा, प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ये दोनों सेल्स में पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में भी पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं। ये है आपकी खूबसूरत एनसीईआरटी। ये देखिए, ये एनसीईआरटी जो ऐसे कहती है, अगर आपने इसको नहीं सीखा तो दुनिया में दो ही बेवफा हैं। अगर आपने ये अच्छे से नहीं सीखा, माइक्रोबॉडीज और एनसीईआरटी अच्छे से नहीं सीखा, तो दुनिया में दो ही लोग बेवफा हैं, एक सोनम गुप्ता और दूसरा एनसीईआरटी। ये मात्र दो लोग हैं पूरी दुनिया के जो क्या हैं, बेवफा हैं, सिर्फ दो लोग, इसके सिवा कोई बेवफा नहीं है। सोनम गुप्ता डिमोनिटाइजेशन में बेवफा हुई और एनसीईआरटी बेवफा यहां कर जाएगी, तो ये दो बेवफा हैं, आपको ये बात आनी चाहिए। अब आइए आपको सिखाता हूं। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें कि कितनी टाइप्स हैं, एनसीईआरटी ने इतना ही लिखा है, लेकिन बेवफाई कहां की ध्यान दीजिए। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा, ये देखिए, टाइप्स में तीन टाइप्स हैं, एनसीईआरटी चुप हो जाती है, एनसीईआरटी को छोड़ दीजिए, लिखिए इसके तीन टाइप्स हैं। पहला जो टाइप है उसे हम लोग पराक्सीसोम्स कहते हैं, या इसी को हम लोग यूरिकोसोम्स कहते हैं। ये इसका पहला टाइप है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, याद कर लीजिए, ये पहला टाइप है। दूसरा जो टाइप है उसे हम लोग स्फीरोसोम्स कहते हैं, ये जो इसका दूसरा टाइप है। जिसका तीसरा टाइप है उसे हम लोग ग्लाइऑक्सीसोम्स कहते हैं। ये तीन टाइप है जिनके ऊपर एक मेम्ब्रेन है। ये एक स्पेशल टाइप की होती है माइक्रोबॉडीज, जिन्हें ट्रांसोम्स कहते हैं। ये ट्रांसोम्स की खास बात है, ये थ्री मेम्ब्रेन लेयर्ड है, मतलब ऊपर की तीनों जो है उनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन है, लेकिन इस ट्रांसोम्स के पास तीन मेम्ब्रेन है। समस्या इस बात की है, ये देखिए, आपको इन चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी स्टडी करनी है। पराक्सीसोम्स, यूरिकोसोम्स पढ़ना है, स्फीरोसोम्स पढ़ना है, ग्लाइऑक्सीसोम्स पढ़ना है, ट्रांसोम्स पढ़ना है। सिंपल सी बात है कि अगर आपने कहा कि सर ये यूकैरियोटिक सेल है, इस यूकैरियोटिक सेल का ये न्यूक्लियस है, ऐसे देख लीजिए, ये यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है। तो इसी सेल के अंदर ऐसे छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग माइक्रोबॉडीज कहते हैं। ये ऐसे ही छोटे से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग माइक्रोबॉडीज कहते हैं। आपको तीनों को याद करना है, और अगर नहीं याद करेंगे तो ऊपर लिखा होगा क्या, बेवफाई हो जाएगी, फिर आप किसी लायक नहीं रह जाएंगे। इसको ऐसे घेर दीजिए, याद इसको भी करना है, इसको भी याद करना है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पराक्सीसोम्स, फिर स्फीरोसोम्स, फिर ग्लाइऑक्सीसोम्स, फिर ट्रांसोम्स। आइए पहले देखते हैं, अगर हम लोग पराक्सीसोम्स देखें कि पराक्सीसोम्स का क्या फंक्शन है, क्या काम करते हैं,
तो पराक्सीसोम्स के बारे में आप जान लीजिए कि दोनों सेल में पाए जाते हैं, दोनों सेल में। किस किस सेल में? पहले पाए तो जाते हैं प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं, दोनों सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। ये देखिए, अब आपको दोनों सेल में इसका फंक्शन देखना है। पराक्सीसोम का दूसरा नाम यूरिकोसोम भी है, मैंने यहां लिखा ही हुआ है तो आपको देख ही रहा है वो। अब आप देखिए पहले इसका एनिमल सेल में क्या फंक्शन है। अगर आप एनिमल सेल में इसका फंक्शन देखें, एनिमल सेल में इसका फंक्शन देखें, तो देखिए एनिमल सेल में इसका काम है पराक्साइड मेटाबॉलिज्म से, मतलब है पराक्साइड मेटाबॉलिज्म से रिलेशन है। पराक्साइड का फॉर्मेशन करता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है। मतलब एनिमल सेल में अगर आप इसको ऐसे लिख दें कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से ये ऐसे जुड़ जाता है, तो ये देखिए H2O2 का फॉर्मेशन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद दूसरी ऐसी जगह है पराक्सीसोम जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ध्यान रखिएगा इस बात का, मैं आज आपको 100 बार कहता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाद ये ऐसी जगह है पराक्सीसोम जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जहां पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, यहां पर हाइड्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ये हाइड्रोजन पराक्साइड का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन पराक्साइड का फॉर्मेशन होता है, शायद इसीलिए इसको पराक्साइड कहते हैं, पराक्सीसोम्स कहते हैं। और क्या खास बात है एनिमल सेल में? अगर एनिमल सेल्स में इसको देखें, आप इसको एनिमल सेल्स में देखें, इसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं आपको ये देखना है। पहला जो एंजाइम है उसका नाम है यूरेट ऑक्सीडेज। ये देखिए पहला एंजाइम है जिसे हम लोग कहते हैं यूरेट ऑक्सीडेज। ये यूरेट ऑक्सीडेज यूरिक एसिड ऑक्सीडेशन में मदद करता है, यूरिक एसिड के मेटाबोलिज्म में मदद करता है, यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। शायद इसीलिए इस एंजाइम के कारण हम लोग इसे यूरिकोसोम्स भी कहते हैं, इसीलिए शायद कहते होंगे जो मेरा मस्तिष्क चल रहा है। दूसरा जो एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है अमीनो एसिड ऑक्सीडेज। ये देखिए ये दूसरा एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है अमीनो एसिड ऑक्सीडेज। ये एंजाइम दूसरा वाला है जो पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान ये दो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एक तीसरा एंजाइम पाया जाता है, इसी के अंदर एक तीसरा एंजाइम पाया जाता है जिस एंजाइम का नाम कैटलेज है। ये कैटलेज जो है ये जान लीजिए मार्कर एंजाइम ऑफ पराक्सीसोम है, मतलब सबसे स्पेशल एंजाइम है पराक्सीसोम का, मार्कर एंजाइम ऑफ पराक्सीसोम है, मार्कर एंजाइम ऑफ पराक्सीसोम्स है, मतलब पराक्सीसोम्स का सबसे स्पेशल एंजाइम है। इसकी एक दूसरी खास बात है, सेकेंड फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में सबसे तेज काम करने वाला सेकेंड एंजाइम है ये ऑफ द वर्ल्ड, सबसे तेज काम करने वाला। ये एक जीके टाइप का क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए, तो आपके मन में तुरंत आएगा कि सर ये सेकंड फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ द वर्ल्ड है तो फर्स्ट वाला कौन सा है। अगर आप फर्स्ट को आलोक याद करते हैं तो याद करिए, ये नाम सुना होगा आपने, इस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। नहीं सुना है, आप क्लास 11th में है तो हमसे सुनिए ना, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है, हमारे ब्लड में CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। ये पूरी दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है, ये आपको याद करना है, फास्टेस्ट एंजाइम है। ये देखिए, अब आपको मैंने इसका एनिमल सेल में फंक्शन पढ़ाया कि ये पराक्साइड के मेटाबॉलिज्म से है, इसमें ये एंजाइम पाए जाते हैं, कैटलेज एंजाइम पाया जाता है। अगर आप इसका पराक्सीसोम का प्लांट सेल में देखें, अगर आप इसका प्लांट सेल में स्ट्रक्चर देखें, प्लांट सेल में स्विच बंद करो, अगर पराक्सीसोम का फंक्शन देखा जाए तो प्लांट सेल में जो है पराक्सीसोम का जो फंक्शन है, देखो बैठो बेटा, देखो इसमें देखिए, इट इज इन्वॉल्व्ड इन फोटोरिस्पायरेशन। प्लांट सेल में ये फोटोरिस्पायरेशन का काम करता है। मैंने आपको कहा था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, फोटोरिस्पायरेशन करता है।
इसमें एक साइकिल चलती है, इस माइक्रोबॉडीज में एक साइकिल चलती है जिस साइकिल का नाम है ग्लाइकोलेट साइकिल। ये साइकिल है ग्लाइकोलेट साइकिल अकर्स इन कहाँ पे, पराक्सीसोम्स में। पराक्सीसोम्स में ग्लाइकोलेट साइकिल चलता है प्लांट सेल के केस में, आपको याद करना है ये बात। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पूछा जाएगा, मैं लिख देता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए। बोलियो ना, बोलबो तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। देखो दूसरा टाइम, देखो इसका दूसरा जो टाइप था, आपने दूसरा जो टाइप लिखा था कि सर इसका जो दूसरा टाइप है वो है स्फीरोसोम्स है। माइक्रोबायोलॉजी का जो दूसरा टाइप है इसे हम लोग स्फीरोसोम्स कहते हैं। अगर आप देखें एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है पर्नर, साइंटिस्ट का नाम है पर्नर। पर्नर क्वाइंड द टर्म, पर्नर क्वाइंड द टर्म क्या, पर्नर क्वाइंड द टर्म स्फीरोसोम्स। प्लांट सेल में इसे स्फीरोसोम्स पर्नर ने सबसे पहले कहा। दूसरी बात लिखिए, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये फटाफट आप लिख लीजिए, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में केवल पाई जाती है ये स्फीरोसोम, प्लांट सेल में केवल पाए जाते हैं। देखिए इनका काम लिपिड सिंथेसिस, इनका काम है लिपिड स्टोरेज का काम है। प्लांट सेल में इनका काम है लिपिड स्टोरेज का। इन स्फीरोसोम्स का प्लांट की सेल्स में, मतलब ऐसे कोई प्लांट सेल होगी, अगर आपको प्लांट सेल बनानी है तो आपने कहा सर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर अगर आपको प्लांट सेल बनानी है तो इसके ऊपर कौन सी वाल लगाओगे, सेल वाल लगाओगे, कॉमन सेंस की बात है। ये न्यूक्लियस होगा और यहां पर ये जगह है जिसे हम लोग स्फीरोसोम्स कहते हैं, जिसका काम है लिपिड को स्टोर करना। ध्यान रखिये ये स्फीरोसोम्स केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, मतलब ये जो माइक्रोबॉडीज का दूसरा टाइप है पराक्सीसोम तो प्लांट और एनिमल सेल दोनों पाया जाता है, लेकिन स्फीरोसोम्स केवल जो है कहां पर पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। तीसरा टाइप अगर हम लोग माइक्रोबॉडीज का देखें, अगर हम माइक्रोबॉडीज का तीसरा टाइप देखें तो उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइऑक्सीसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोम्स कहते हैं, ये तीसरा टाइप है। अगर आप इसे देखें ग्लाइऑक्सीसोम्स को तो कहां पर पाया जाता है, आप देखें प्रेजेंट इन आयल कॉन्टेनिंग सीड्स, आयल कॉन्टेनिंग सीड्स, ऐसे सीड्स में जिनमें आयल पाया जाता है उनमें ये पाया जाता है, प्रेजेंट इन आयल कॉन्टेनिंग सीड्स। लाइक अगर आप लाइक देखें तो ये देखिए कैस्टर सीड्स में, जो कैस्टर होता है उसके सीड्स में ये पाया जाता है, पहली बात। दूसरा कैस्टर सीड्स से पाए जाते हैं। तीसरा दूसरा देखें अनराइप फ्रूट्स पे पाए जाते हैं, अनराइप फ्रूट्स पे पाए जाते हैं, अनराइप फ्रूट्स पे पाए जाते हैं। और इसके सिवा ये पाए जाते हैं गार्ड सेल्स में, गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा, ये जगह है जहां पर ये ग्लाइऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं, गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा। तो ये लोकेशन हो गई, पहली बात आप ये सीख लीजिए, प्रेजेंट इन ऑयल कंटेनिंग सीड्स लाइक कैस्टर सीड्स, अनराइप फ्रूट्स, गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा। फिर दूसरी बात फिर लिखिए लपक के, फर्स्ट से लिखिए प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, फर्स्ट से आपने लिखा प्रेजेंट ओनली इन किस सेल में, प्लांट सेल में, ये केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। ये देखिए लिख दिया आपने ग्लाइऑक्सीसोम्स, तो इसे आखिर ग्लाइऑक्सीसोम्स क्यों कहते होंगे। अगर इस ग्लाइऑक्सीसोम्स का फंक्शन देखें, ग्लाइऑक्सीसोम्स का फंक्शन देखें, तो इसमें एक अच्छा एक बात और आपसे, मान लीजिए कहीं कोई कमेंट पूछ ले तो आप क्या करेंगे, मुझे बड़ी चिंता रहती है आपकी, तो अभी तो हम लोग चिंता की चिता चिता करेंगे। आप इसको देखिए हाईली स्पेशलाइज पराक्सीसोम्स है, ध्यान रखिएगा ये टर्म आपको कहीं मिल जाए कि कौन से हाईली स्पेशलाइज्ड पराक्सीसोम्स हैं, तो आप मुझे याद करिएगा, जैसे आप अपने ईश्वर को याद करते हैं वैसे आप अपने एनकेटिव को याद करिएगा। फिर से दोबारा कह रहा हूं, जैसे आप अपने भगवान को याद करते हैं वैसे आप एनकेटिव को याद करिएगा। जब आप एनकेटिव को याद करेंगे तो ये दिखाई पड़ेगा, आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया वो है एनकेटिव, कौन है वो एनकेटिव है। तो हाईली स्पेशलाइज्ड पराक्सीसोम्स हैं, हाईली स्पेशलाइज पराक्सीसोम्स हैं। अगर आप इनके फंक्शन को देखें, अगर आप इनके फंक्शन को देखें, ये देखिए तो इसमें एक साइकिल चलती है दोस्त, जिस साइकिल का नाम है ग्लाइऑक्सिलिक एसिड साइकिल, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड साइकिल। शायद इसी के नाम के आधार पे जो मेरा दिल कहता है, मेरा जो जहन कहता है, मेरा जो गुर्दा कहता है, किडनी हार्ट ब्रेन लीवर कहता है कि शायद इसी ग्लाइऑक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम के कारण इसको ग्लाइऑक्सीसोम्स कहा गया होगा। और इस साइकिल में होता क्या है,
कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। फैट से इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, फैट से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, और फैट से जब कार्बोहाइड्रेट बनती है बेटा मेरे, इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। शायद इसी ग्लाइऑक्सिलिक एसिड साइकिल के कारण, इसी साइकिल के कारण इसे हम लोगों ने ग्लाइऑक्सिसोम्स कहा होगा। तो आपके सामने तीन परासिसोम्स, स्पिरोसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम्स, तीन तरह की अलग अलग मेम्ब्रेन पड़ी हुई हैं, माइक्रोबॉडीज पड़ी हुई हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, जिसमें ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों पाई जा रही है, ये केवल प्लांट सेल में पाई जा रही है और ये प्लांट सेल में पाई जा रही है, तीनों सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। ये देखिए, आप एक और देखिए, ट्रांसोम्स देखिए, ट्रांसोम्स स्पेशल माइक्रोबॉडीज हैं, हाईली स्पेशल माइक्रोबॉडीज कह सकते हैं, स्पेशल माइक्रोबॉडीज हैं, ये स्पेशल माइक्रोबॉडीज हैं। ये जो है, गाना सुना होगा आपने कि अंडे का फंडा, सुना है क्या गाना? जी हाँ, आपने सुना होगा अंडे का फंडा। तो अगर आप अंडे का फंडा देखें, तो अंडे का फंडा है क्या? फंडा माने फार्मूला होता है। तो अंडे का फार्मूला ये है कि ये स्पेशल माइक्रोबॉडीज हैं। ये माइक्रोबॉडीज की खास बात है, ये थ्री लेयर्ड है, थ्री लेयर्ड है, मतलब इसके ऊपर तीन मेम्ब्रेन है। और अगर आप इसका एक और फंक्शन लिख लें, फंक्शन लिख लें, इट स्टोर्स क्या? योक, मतलब एग है। आप ऐसे समझिए, ये ऐसे लिख लीजिए कि सर ये एग है, हिंदी में लिख लीजिए सर ये अंडा है, अंग्रेजी में लिख लीजिए सर ये एग है, लिख लीजिए, दोनों लिख लीजिए। इस अंडे के अंदर ये मटेरियल है, ये मटेरियल है जिसे हम लोग कहते हैं सर ये योक है, और इसके ऊपर इस योक को स्टोर करने वाली आपने फटाफट तीन मेम्ब्रेन लिखे, और तीनों मेम्ब्रेन को आपने खींच के लिखा सर ये ट्रांसोम्स है। तो आप देखिए, वो स्पेशल क्यों है कि इसके ऊपर तीन मेम्ब्रेन है, और स्टोर क्या करती है? वो योक स्टोर करती है, जबकि ये सब क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेलार मेल है, ये आपको याद रखना है। और बेटा देखते हैं मीसोसोम के बारे में, देखते हैं मीसोसोम्स क्या है। ये देखा जाए, अगर आप देखिए, ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हैं जो को आपको एनसीईआरटी में सीखना है, बिना सीखे कल्याण नहीं है, नहीं तो मैंने कहा गड़बड़ हो जाएगा। मीसोसोम्स को अगर देखा जाए तो सीधे सीधे ऐसे लिख दीजिए कि सर ये इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन है, ये भी ध्यान रखना है आपको। मैं इसको ध्यान रखेंगे, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी में है तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपकी एनसीईआरटी ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो आपको भी सीखना है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये इनफोल्डिंग है, मतलब अगर आप ऐसे कोई बैक्टीरिया ऐसे बनाते हैं कि सर देखिए ये हमारा सेल वॉल है, हमने कहा जी हाँ ये सेल वॉल है, आपने कहा हाँ सर सेल वॉल है, हमने मान लिया भाई। फिर सेल वॉल के बाद आपने जो दूसरी मेम्ब्रेन इसके अंदर बनाई है, ये देखिए आपने ये मेम्ब्रेन बनाई है ऐसे, इस मेम्ब्रेन का नाम अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी मेम्ब्रेन है, तो आप कहेंगे सर इस मेम्ब्रेन का नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये देखिए। और ये जो फोल्डिंग है, इस फोल्डिंग को हम लोग मीसोसोम्स कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मीसोसोम कहां से बनी, तो आप कहेंगे सर ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसे लहरा गई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लाज्मा ये क्या है, तो आप कहेंगे सर देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या कर गई है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लहरा गई है। लहरा गई मतलब, लहराने का मतलब क्या हुआ? आपको कोई कटपट नहीं लहराना है, अरे ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आ रही थी और ऐसे आते थे अंदर, वो लहरा गई। तो जब लहरा गई थी, किसका फॉर्मेशन हो गया? मीसोसोम का फॉर्मेशन हो गया। इस सेल में अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, तो आपने कहा सर ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये इसका डीएनए है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मीसोसोम के फंक्शन क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका फॉर्म क्या होगा? अगर आप लिखें इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में लहरा रही है? वेसिकल्स के फॉर्म में लहरा रही है, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, या लैमेली के फॉर्म में ये ऐसे लहरा रही है।
और जब लहरा रही है तो इसका फॉर्मेशन हो रहा है मीसोसोम का। अगर हम मीसोसोम का फंक्शन देखें, मीसोसोम के फंक्शन क्या है, अगर हम फंक्शन देखें मीसोसोम के बेटा, तो मीसोसोम के पहला फंक्शन है कि ये मीसोसोम जो है, पहले देखिए मीसोसोम का पहला फंक्शन है हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। एनसीईआरटी में आपको मिलाना है, किसी तरह से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर गलती हो गई तो मैंने कहा है कि एनसीईआरटी क्या है, बेवफा है। पहला काम हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ये जो मीसोसोम है सेल वॉल के फॉर्मेशन में मदद करती है। दूसरा देखिए हेल्प इन, दूसरा कमेंट देखिए हेल्प इन डीएनए रिप्लिकेशन, हेल्प इन डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन एंड ट्रांसफर इंटू डॉटर क्रोमोसोम, डॉटर सेल्स, ट्रांसफर इंटू डॉटर सेल्स, मतलब जब डीएनए का रिप्लिकेशन होगा तो उनको रिप्लिकेट करने के बाद डॉटर सेल्स में भेजने का काम भी इस जो है मीसोसोम का फंक्शन है। दो काम हो गए, आप याद कर लीजिए, एक तो सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है, दूसरा डीएनए का रिप्लिकेशन करती है, और डॉटर सेल्स के डिवीजन में मदद करती है। तीसरा अगर आप फंक्शन देखें तो ये फंक्शन है, इसका काम है सेलुलर रिस्पायरेशन का काम है, मतलब एटीपी का प्रोडक्शन जो होता है बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक सेल में वो इसी के कारण होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन का फंक्शन। तीन फंक्शन हो गए, ये देखिए चौथा फंक्शन आप यहां देख लें, ये तीन फंक्शन हो गया, अगर आप इसका चौथा फंक्शन देखें इस जगह पे, तो अगर आप देखें सिक्रीशन ऑफ एंजाइमेटिक कंटेंट, ये इसका अगला फंक्शन है। अगर आप एनसीईआरटी मिला रहे हैं, आप एनसीईआरटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप मिलाइए एंजाइमेटिक कंटेंट, आपको ये पांचों चीजें एक साथ दिखाई पड़ेंगी। ये देखिए, तो पहला काम हो गया सेल वॉल के फॉर्मेशन में मीसोसोम मदद कर रहा है, दूसरा डीएनए के रिप्लिकेशन और उसके ट्रांसफर में मदद कर रहा है, डॉटर सेल्स के सेलुलर रिस्पायरेशन में मदद कर रहा है, सिक्रीशन ऑफ एंजाइमेटिक कंटेंट में मदद कर रहा है, और ये देखो बेटा इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर बाइंडिंग ऑफ एंजाइम्स। ये देखिए एंजाइम्स के बाइंडिंग्स में, बाइंडिंग ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स के बाइंडिंग में ये मदद कर रहा है। तो आपको ये पांचों फंक्शन आने चाहिए, मतलब मीसोसोम के टोटल फंक्शन एनसीईआरटी ने पांच लिखे हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन, डीएनए का रिप्लिकेशन और डिलीवरी टू डॉटर सेल्स, सेलुलर रिस्पायरेशन, सेक्रेशन टू एंजाइमेटिक कंटेंट और इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर बाइंडिंग ऑफ एंजाइम्स। ये पांच फंक्शन है, पांच का पंच लगाना है आपको किसी के चेहरे पे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये कौन सा, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, चार ऑप्शन देगा कि मीसोसोम का क्या फंक्शन, नहीं है पांच कमेंट है, चार ऑप्शन आराम से बन सकते हैं, फिर आपको नॉलेज को ऐसे उड़ेल देना है, ये बात सीखनी है आपको। अगर आप दूसरी बात सीखें, ये छोटी सी बात है, अब आपको दूसरी बात, एक बात और एनसीईआरटी में सीखनी है। इस एनसीईआरटी ने एक टर्म लिखा है इंक्लूजन बॉडीज, आप इसको भी एनसीईआरटी में देख लेंगे, एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी है जो आपको सीखना है, कॉन्सेप्ट है जो सीखना है, कॉन्सेप्ट क्या है इंक्लूजन बॉडीज, ये अगला कॉन्सेप्ट है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा है, और मेरा बड़ा मन है कि आपको आना चाहिए, और मेरा मन है तो आपको आना चाहिए, चाहे जो हो जाए आना तो चाहिए। तो अगर आप इंक्लूजन बॉडीज को देखें तो सबसे पहले लिखें प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ये इंक्लूजन बॉडीज प्रोकैरियोटिक सेल में पड़ी हुई हैं। आपने लिखा सर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ये इंक्लूजन बॉडीज प्रोकैरियोटिक सेल्स में पड़ी हुई है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये पड़ी है। दूसरा लिखे प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई है। आप एनसीईआरटी मिलाएंगे आपको लाइन टू लाइन मिलेगा, मतलब ऐसे समझे आप, ये है एनसीईआरटी, ऐसे सेल बनी हुई है, आपने लिखा सर ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल है मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं है, बोल धीरे से जोर से बोलो न्यूक्लियस नहीं है। आपने कहा सर ये इसका इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, ये डीएनए है, और इसी साइटोप्लाज्म में जो भरा हुआ है इसी स्ट्रक्चर को इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं हम लोग। क्या भरा हुआ है आखिर, ये बात सीखनी है हम लोगों को। अगर हम लोग इसको देखें तो देखिए क्या क्या भरा है, इसमें पहला बना है भरा हुआ है, देखिए इस प्रेजेंट इन आरबीएस, इसमें क्या क्या भरा हुआ है, स्टोरेज क्या क्या है, अगर आप चाहें तो ऐसे लिख लें कि इसमें क्या क्या स्टोरेज है, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो स्टोरेज में अगर आप देखें तो सबसे पहला है साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं,
आप एनसीईआरटी मिलेंगे तो आपको यही दिखाई पड़ेगा। पहला जो इसमें मटेरियल भरा हुआ है उस मटेरियल का नाम है साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स नाम है, ये पहला आपने लिखा। दूसरा जो है इसमें ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स पड़े हैं। और एक बात और आप देखें, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं और एक इसमें पड़ा हुआ है फास्फेट के ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं। साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स और इसमें फास्फेट के बेटा ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं। अलग अलग सेल्स की अलग अलग बात हो रही है लेकिन एनसीईआरटी ने इसको एक जगह लिखा है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे ही साइटोप्लाज्म में कोई चीज स्टोर है जिसे इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं, एनसीईआरटी में छोटा सा लिखा है, आपको आना चाहिए। एक चीज एनसीईआरटी ने और लिखा है दोस्त कि इसमें गैस वैक्यूल्स पड़ी हुई है, ये देखिए। तो अगर आप गैस वैक्यूल्स देखते हैं, ये देखिए, ये गैस वैक्यूल्स है, ये ऐसे लिख सकते हैं गैस वैक्यूल है। कहां पर है गैस वैक्यूल? एक तो है ब्लू ग्रीन एल्गी में जिसे हम लोग साइनो बैक्टीरिया कहते हैं, दूसरा ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में है। एनसीईआरटी मिला लीजिएगा, लाइन टू लाइन में बोल रहा हूं, आप भी क्या देखेंगे। ये देखिए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में है। इस गैस वैक्यूल में कोई फंक्शन पूछे तो बता दीजिए। सर इसका काम है हेल्प इन बायो एनसी, इस सेल के तैरने में मदद करती है, सेल के वजन को कम कर देती है। दिमाग में चैट कर लीजिए जैसे आप उनको चैट करते हैं, दिमाग में चैट कर लीजिए जैसे आप किसको चैट करते हैं, उनको चैट करते हैं, समझिए हिसाब से। बेटा देखो हम लोग बोर्ड पे क्या लिखा है, प्लास्टिक लिखा है, आप अच्छे से जानते हैं। मम्मी आपकी, उन्हें क्या कहते हैं आप, मम्मी क्या है आपके घर में? मम्मी जो है किचन में काम करती है, घर में खाना बनाती है। तो जैसे मम्मी घर में खाना बनाती है, अच्छे अच्छे आपको यमी यमी फूड देती है, ऐसे जो फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं जिनमें एनर्जी जो है सनलाइट से ट्रैप करके और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है जिसे आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, वो काम जो है सेल के अंदर ये करता है। प्लास्टिक जो लिखा है ये करता है, मतलब जो मम्मी काम करती है घर में वही काम सेल में ये करता है। इसीलिए जो प्लास्टिड है, अगर आपको पता होगा इसकी अगर हम लोग डिस्कवरी करें तो देखिए, सबसे पहले देखिए डिस्कवर्ड बाय, अगर आप लिखना चाहते हैं ये देखिए डिस्कवर्ड बाय, ये देखिए नाम लिख लीजिए डिस्कवर्ड बाय सिंपर, एक साइंटिस्ट है इन्होंने सबसे खोजा पहले, डिस्कवर्ड बाय सिंपर इन 1880 में इसे सिंपर ने खोजा, ये देखिए। और जो टर्म प्लास्टिड है वाज कॉइंड बाय, टर्म प्लास्टिड वाज कॉइंड बाय, आप फटाफट लिख दें, टर्म प्लास्टिड वाज कॉइंड बाय आप इनका नाम लिखें, हेकेल का नाम लिख दें। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवरी के नाम इतना डिटेल लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जो है एनसीईआरटी ने इसमें, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे जिसमें किसी भी डिस्कवरर का नाम नहीं लिखा है, तो आपको एनसीईआरटी में उन्हीं साइंटिस्ट की डेट को और साइंटिस्ट का नाम याद करना है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। उससे ज्यादा आपको विद्वान बनने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञानी बनकर कुछ नहीं होना है, तो आपको बचना है, आप एनसीईआरटी को अच्छे से आपको क्लियर करना है, इसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर किसी सेल ऑर्गेनेल में ईयर लिखा है तो आपको याद होना चाहिए, साइंटिस्ट का नाम है तो वो याद होना चाहिए, उसके बिसाइड उसके अगेंस्ट जाके आपको बिल्कुल भी जबरदस्ती प्रयास नहीं करना चाहिए। बरसात के मौसम में जब आप कटिया लगाएंगे तभी मछली फंसेगी, और आप सड़क पे हाईवे पे बैठ के मछली फंसाएंगे ब्लैक वाली रोड पे, तो मछली नहीं फंसेगी। मछली कहाँ फंसेगी? जहां पानी होगा, तो आपको वहीं पर मछली कटिया लगानी है जहां बरसात हो। अब आप ध्यान दें इसका क्या मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो इसे सिंपल ने 1880 में खोजा और हेकेल ने इसे प्लास्टिड का। अगर आप देखें तो ये जो सेल ऑर्गेनेल है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकांड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। आपको याद करना है कि इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन है, अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसको अच्छे से आज सीखेंगे। हमारी आदत है बिना हम अच्छे से सीखे किसी बात को क्लियर छोड़ने वाले नहीं है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है बेटा, इसे किचन ऑफ सेल भी कहा जाता है। जैसे आपकी मम्मी किचन में काम करती है, ये देखिए, ऐसे ही इसे किचन ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। मतलब प्लास्टिड है, इसका टाइप क्लोरोप्लास्ट है। और देख लीजिए, इसे हम लोग सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस इसे सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका अपना डीएनए है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं क्योंकि इसका अपना खुद का डीएनए है।
जीनोमिक सिस्टम है, इसीलिए कहते हैं इसका, क्योंकि अपना डीएनए है इसलिए माइटोकांड्रिया की तरह इसे हम लोग सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। ये देखिए सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, दो नाम दे दिया आपने, दो चीजें एक्सप्लेन कर दी, इसे सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल कहते हैं और इसे सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, आपको इसका ध्यान रखना है, ऑर्गेनेल कहते हैं। तो दो नाम हो गया, सेमी ऑटोनॉमस है, सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल है ये। और अगर आपको इसके बारे में और लिखना है, इसकी अक्रेंस लिखनी है कि पाया कहां जाता है अक्रेंस, तो अगर आप अक्रेंस लिखना चाहते हैं तो ये देखिए प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन, ये देखिए प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट सेल्स, ऐसे लिख सकते हैं या आप लिख लीजिए प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड्स। आप इंसर्टिन देखिएगा सेम कमेंट लिखा हुआ है यूग्लिनोइड्स पे और प्लांट सेल्स में ये पाए जाते हैं, यूग्लिनोइड्स में और प्लांट सेल्स में ये पाए जाते हैं। ये इसकी अकरेंस हो गई, लोकेशन हो गई, ये इसकी हिस्ट्री हो गई, ये इसकी अकरेंस हो गई। दो चीजें आपको याद करनी है, शिम्पर ने 1880 में खोजा, हेकेल ने प्लास्टिड कहा, प्लास्टिड क्यों कहा आप ये समझे, प्लास्टिड माने सही मीनिंग, लिटिल मीनिंग इसकी जो है लिविंग होता है। ये देखिए तो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है, सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल है, अकरेंस जो है ये प्रोकैरियोट सॉरी प्लांट सेल में पाया जाता है और यूग्लिनोइड्स में पाया जाता है, ये इसकी बात है। एक चार आप और लिख लें, ये जो है एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग सेल ऑर्गेनेल है, एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग सेल ऑर्गेनेल है, इसका मतलब ये हुआ कि सनलाइट की एनर्जी को ये ट्रैप करके जो एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग सेल ऑर्गेनेल है, ट्रैप करके ये जो एनर्जी बनाता है इसलिए ये प्रोड्यूसर्स में पाया जाता है, इसलिए शायद इसको एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको पॉइंट याद रखनी है। ये हो गई इसकी बेसिक बात। अगर आप इसकी इसकी आप वो देखें क्या कहते हैं टाइप की बात करें, अगर आप इसकी टाइप की बात करें तो टाइप में अगर आप देखें इसकी टाइप में ये देखिए लिखिए सर ये प्लास्टिड है, आपने लिखा सर ये प्लास्टिड है, ये देखिए तो प्लास्टिड का जो क्लासिफिकेशन है ये प्लास्टिड तीन तरह के हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन आपको पहला जो खुद से याद करना है कि इसका जो क्लासिफिकेशन है, मैं यहां बड़ा सा लिख देता हूं, बेस्ड ऑन पिगमेंट है, पिगमेंट है या नहीं है इसी आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये बात आपको समझनी है, याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन पिगमेंट, कितने तरह के प्लास्टिड होते हैं इसका जो क्लासिफिकेशन का आधार है वो पिगमेंट है, पिगमेंट है नहीं है इसी आधार पर किया जाता है। तो अगर आप प्लास्टिड की टाइप देख रहे हैं तो इसका जो सबसे पहला टाइप है उसे हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अगर आपको ये बात सीखनी है ल्यूको माने क्या होता है, बायोलॉजी में अगर कभी भी ल्यूको शब्द लग गया तो इसका मतलब व्हाइट होता है, कोई भी चीज व्हाइट की कलर की है तो उसे ल्यूको कहा जाता है, जैसे ल्यूकोसाइट्स WBC का नाम है। और प्लास्ट माने होता है लिविंग, क्योंकि जब इसे खोजा गया था इसे लगता था कि कोई सेल है कोई स्ट्रक्चर, इसे इसको ल्यूकोप्लास्ट कहा गया। दूसरा जो टाइप है इसका उसे हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ये देखिए इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता इसलिए ये व्हाइट कलर का है, ये बात आपको सीखनी है। क्रोमोप्लास्ट अगर आप इसे देखें इसका मतलब समझें, आप गूगल क्रोम करते हैं तो यहां क्रोमो का मतलब कलर्ड है, कलर्ड है लेकिन एक कलर छोड़ के, और प्लास्ट माने लिविंग, कौन सा कलर छोड़ के, ग्रीन कलर छोड़ के, तो प्लास्ट माने क्या हो गया, लिविंग हो गया, आपको ये याद रखना है। और तीसरा प्लास्ट होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरो का मतलब आप समझे तो जो आपको ग्रीन कलर की चीजें दिखाई पड़ती हैं, क्लोरो माने बायोलॉजी में ग्रीन होता है और प्लास्ट माने लिविंग होती है, आपको याद रखना है, जिंदगी भर याद रखना है, कहीं भी गलती नहीं करनी है। तो ये तीन तरह के प्लास्ट हो गए, एक प्लास्टिड है जो सफेद कलर के हैं, एक सारे कलर के हैं लेकिन ग्रीन कलर के नहीं है, और एक है जो क्रीम कलर की केबल है, तीन प्लास्टिड हो गए। तो अब आपको अगर इसका फंक्शन देखना हो, इसका फंक्शन देखना हो तो इसका फंक्शन है कि इट, अगर आप ल्यूकोप्लास्ट के देखें तो ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन है, अगर आप यहां पर ल्यूकोप्लास्ट के बारे में देखें कि इट स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स, ये ल्यूकोप्लास्ट जो है ये न्यूट्रिएंट्स स्टोर करता है। दूसरा, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जब इसके पास पिगमेंट ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कहां से परफॉर्म करेगा, डू नॉट परफॉर्म, चाहे आप यहां लिख दें फोटोसिंथेसिस,
फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है। ये देखिए, ये तो दो काम हो गए, लिकोप्लास्ट के दो फंक्शन हो गए, एक तो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है और दूसरा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है। तीसरी बात, अगर आपको इसके बारे में कमेंट करना है तो आप ये लिखिए, इसके बारे में आप इसके बारे में ये लिखिए, प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट, वो पार्ट्स ऑफ प्लांट है जो अंडरग्राउंड है, जहां लाइट नहीं पहुंचती है वहां पर ही पाए जाते हैं। तो कितने काम हो गए लिकोप्लास्ट के, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है, और ये प्लांट के उस लोकेशन में पाया जाता है जहां पर लाइट नहीं पहुंचती है। तो अगर आप इसके स्टोरेज के आधार पर देखें तो ये तीन तरह के होते हैं। स्टोरेज के आधार पर देखें, अगर आप इसके टाइप देखना चाहते हैं तो ये फर्दर तीन टाइप के होते हैं, ये बात आपको सीखनी है। ये टाइप देखिए, तो अगर आप इसके तीन टाइप देख लें, पहला टाइप होता है जिसे हम लोग कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट माने हुआ कि ये जो होता है इट स्टोर्स स्टार्च, ये स्टार्च स्टोर करता है। सिंपल सी बात है, एमाइलो टर्म कहीं भी लग जाता है तो वो स्टार्च के लिए लगता है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, उतना सिंपल है जितनी जलेबी होती है। मैंने क्या कहा, ये इतना सिंपल है जितनी जलेबी होती है। तो ये सब स्टार्च को स्टोर करता है। अब आपसे मैं पूछूं कि सब्जियों में सबसे ज्यादा किस सब्जी का इस्तेमाल करता है, तो आप लहरा के बोलेंगे सर आलू का इस्तेमाल करते हैं, तो देखो ना यार आलू में एमाइलोप्लास्ट पाया जाता है। एग्जांपल लिख दो, अगर तुम्हें डर लग रहा है कि सर ये तो पोटैटो में पाया जाता है, लिख दिया आपने। आलू में कौन सा प्लास्ट पाया जाता है, एमाइलोप्लास्ट। आलू किस कलर की होती है बोलो, आलू होती है व्हाइट कलर की, बोलो ना धीरे धीरे, बोल कोई सुन ना ले, सुनो नहीं सुनो। तो देखो एमाइलोप्लास्ट जो होता है स्टार्च को स्टोर करता है, साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा जो होता है इसको एलेरोप्लास्ट कहते हैं, चाहे इसको एलेरोप्लास्ट कहें और चाहे अगर आप कमन कहें तो इसे आप प्रोटीनोप्लास्ट कहें। प्रोटीनोप्लास्ट नाम ही बता रहा है यार, काहे टेंशन ले रहे हो। ये देखिए एलेरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं, इट स्टोर्स प्रोटीन, ये प्रोटीन को स्टोर करता है, इट स्टोर्स प्रोटीन। अब प्रोटीन कहाँ पे है बताइए, प्रोटीन सिंपल सी बात है कि सीड्स में है, किसमें है सीड्स में, एग्जाम्पल पल्सेस लिख लीजिए। जितनी दालें आप खाते हैं, चना की दाल, अरहर की दाल, मटर की दाल, उसमें क्या भरी है मेरे दोस्त, क्या भरा है मेरे दोस्त, उसमें अमृत है नहीं, अमृत नहीं है, उसमें एलेरोप्लास्ट है या उसमें प्रोटीनोप्लास्ट है। तीसरा बात अगर देखें तो इसका नाम इलायोप्लास्ट है, क्या नाम प्लास्ट है, इलायोप्लास्ट नाम है, या इसी का एक नाम है ये देखिए ओलियोसोम्स भी कहते हैं, ओलियोसोम्स। तो ओलियोसोम्स क्या स्टोर करते हैं, ऐसे आप लिख लीजिए, इट स्टोर्स ऑयल एंड लिपिड, यहां लिख लीजिए इट स्टोर्स ऑयल एंड लिपिड, ये ऑयल को भी स्टोर करता है और लिपिड को भी स्टोर करता है, इसीलिए शायद इसको हम लोग कहते हैं कौन सा प्लास्ट, इलायोप्लास्ट या ओलियोसोम्स कहते हैं। एग्जांपल देख लीजिए कैस्टर का जो सीड होता है, कैस्टर तो देखे होगे ना यार, जो रेड़ी होती है, रेड़ी जानते हो, रेड़ी यहाँ बचपन में लोग हाथ पे रख के धाक धाक लड़ाते थे उसको, रेड़ी तो जानते हो ना यार, अरे तुम सब जानते हो, तुम्हें सब पता है, हाँ मैं जानता हूँ।